बहुत हुआ, किसी काम का नहीं है तू। एक छोटा सा काम दिया था कि इस मोटे केविन ओवन को खत्म कर दे, लेकिन तुझसे ये भी ना हुआ। आज से तेरा इस ब्लड लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस कमाल के वीडियो में। लिटरली गाइस, वीडियो काफी सीरियस होने वाली है। पिछले दो दिनों में बैक स्टेज WWE में जो कुछ भी हुआ है गाइस, अगर मैं आप लोगों को वो बताऊं तो आप लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाने वाले हैं। तो गाइस, हुआ कुछ ये कि विंस मैकमैन ने WWE कंपनी को बेच दिया है। WWE ने धक्के मार के सैमी ज़ेन को अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया है। वुमेन्स डिवीजन का WWE से हमेशा के लिए सफाया हो गया है। WWE में वापस आए ये बड़े सुपरस्टार वापस से फायर कर दिए गए हैं। कंपनी के बिक जाने के बाद रोमन अब WWE में काम करना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से अब वो बहुत जल्द हॉलीवुड की ओर जाने वाले हैं। तो गाइस, इतना कुछ सुनने के बाद क्या आप लोग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वापस जाना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं गाइस, प्लीज कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। और गाइस, एंड ऑफ द मोमेंट अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और WWE के बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फिर गाइस, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कुछ महीने पहले होता कुछ ये है कि ये पता चल जाने के बाद कि WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन ने WWE के फीमेल इम्प्लॉयज के साथ गलत कांड कर उनके मुंह को बंद कराने के लिए कंपनी के पैसे का यूज किया है। एक्चुअल में ऑफिशियल तौर पे ये बात प्रूफ हो जाने के बाद विंस को मजबूरन WWE कंपनी को छोड़ के जाना पड़ता है। गाइस याद रखना, विंस को कंपनी को छोड़ के जाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, मजबूरन वो कंपनी से बाहर गए थे। विंस के चले जाने के बाद उनकी डॉटर स्टेफनी मैकमैन को कंपनी का CEO, निक खान को CCO, ट्रिपल एच को क्रिएटिव हेड बनाया जाता है। इतना कुछ होने के बाद सब कुछ काफी अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन गाइस डेट आता है 6 जनवरी 2023, जब वापस से अपनी पावर का यूज करके विंस मैकमैन कंपनी में रिटर्न आ जाते हैं। चेयरमैन की पोजीशन को वापस से लेने के बाद कुछ देर बाद न्यूज ये आती है कि कंपनी की CEO स्टेफनी मैकमैन ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। अब कंपनी का CEO निक खान को बना दिया गया है। इसके बाद गाइस, स्टेफनी मैकमैन एक लेटर के थ्रू ये बताते हैं कि आज से 8 महीने पहले उन्हें वर्ल्ड के बड़े कंपनियों में से एक WWE कंपनी का CEO चुना गया, जो कि उनके लिए काफी बड़ी बात है और वो इसके लिए काफी ग्रेटफुल है। इसके बाद गाइस, वो WWE एम्प्लॉयज, WWE सुपरस्टार और WWE यूनिवर्स को थैंक्स कहने के बाद लास्ट वर्ड ये कहती है कि अब वो इस कंपनी से लंबे टाइम के लिए हॉलीडे पे जा रही है। यानी गाइस, उनका ये मतलब था कि अब उनका इस कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। इस स्टेफनी की कंपनी से जाते ही गाइस ये न्यूज सामने आती है कि विंस ने ये फैसला किया है कि वे WWE कंपनी को बेचने जा रहे हैं। और गाइस, यही सबसे बड़ा रीजन था कि स्टेफनी ने कंपनी को क्विट किया। सच तो यही था कि गाइस, इस बुढ़ाओ के कंपनी में वापस आने का इरादा यही था कि वे कंपनी को बेच सके। WWE कंपनी के बिकने के न्यूज के बाद काफी सारी अदर कंपनीज जैसे फॉक्स, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ये नाम सामने आने लगे कि ये WWE कंपनी को खरीद सकते हैं। लेकिन गाइस, अगले दिन रूमर क्या आती है कि WWE कंपनी बिक गई और सऊदी अरब ने उन्हें खरीद लिया है। ये न्यूज आते ही गाइस पूरी तरह से बवाल मच गया। रूमर यहां तक आने लगे कि अगर सऊदी ने WWE को खरीद लिया होगा तो WWE के काफी सुपरस्टार कंपनी को छोड़ के जाने वाले हैं। सबसे बड़ी आफत तो सैमी ज़ेन पे आने वाली थी, क्योंकि सैमी सीरिया से बिलोंग करते हैं और सऊदी और सीरिया में बिल्कुल भी अच्छी दोस्ती नहीं है। तो ऐसे में गाइस, WWE सऊदी के होने के बाद सैमी का WWE से बाहर जाना तय था। और गाइस, यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर WWE सऊदी की हो जाती है तो WWE से तो वुमेन्स डिविजन का दी एंड ही हो जाएगा, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा कि सऊदी में वुमेन्स को लेके कुछ अलग ही रूल रेगुलेशन है। गाइस, आप लोगों ने देखा होगा जब भी WWE की वुमेन सुपरस्टार क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट में सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ उनकी रिंग गियर कुछ ऐसी होती है। मैच में फाइट करने वक्त वे अपनी पूरी बॉडी को कवर किए होते हैं, जो कि हमें किसी अदर प्रीमियम लाइव इवेंट रैंडम रॉ और स्मैकडाउन में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। वहाँ सुपरस्टार अपने नॉर्मल रिंग गियर में रहते हैं। और गाइस, सच तो ये भी है कि सऊदी के लोगों को वुमेन्स रेसलिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस वजह से गाइस WWE कंपनी का सऊदी के होने के बाद वुमेन्स डिवीजन का खात्मा होना तो तय था। रूमर ये भी आने लगे कि WWE के सऊदी के बिक जाने के बाद रोमन रेंस, जो कि WWE कंपनी से 5 से 6 साल बाद जाने वाले थे, वो अब बहुत जल्द कुछ ही महीनों में कंपनी को छोड़ अपने करियर को हॉलीवुड की ओर शिफ्ट करने वाले थे। तो गाइस, विंस मैकमैन ने WWE कंपनी को सऊदी को बेच दिया है। ये न्यूज सच में WWE सुपरस्टार्स और
रेसलिंग फैंस को हिला देने वाली थी। लेकिन गाइस फिर होता कुछ ये कि शाम को ये न्यूज आती है कि विंस ने कंपनी को सऊदी अरब को नहीं बेचा है, क्योंकि WWE के शेयर होल्डर्स में से किसी एक ने विंस पे केस कर दिया कि उन्होंने कंपनी के 81% शेयर होल्डर्स होने के कारण वे अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हैं, बिना किसी से बात किए अपने मन मुताबिक कंपनी को बेचने पे उतर आए हैं। तो गाइस अभी विंस पे केस हो चुका है, जिस वजह से उन्होंने कंपनी को बेचना पोस्टपोन कर दिया है। भले गाइस WWE कंपनी अभी नहीं बिक रही है, लेकिन जैसे ये केस खत्म होता है विंस दोबारा से कंपनी को बेचने पे उतरने वाले हैं। तो गाइस बस यहाँ होप यही करते हैं कि WWE कंपनी सऊदी के हाथों नहीं बिके, वरना गाइस मैंने जो रूमर डिस्कस की है ना वो यार सच होने वाला है। और गाइस विंस के वापस आने के बाद कंपनी के इन सुपरस्टारों पे काफी बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि विंस मैकमैन दोबारा से कंपनी के चेयरमैन बन गए हैं, और कुछ टाइम बाद क्रिएटिव हेड बनते ही वो HHH के सारे प्लान पे पानी फेरने वाले हैं। उन्होंने जिन सुपरस्टारों को कंपनी में वापस बुलाया है, विंस को पसंद ना आने पे वे उन्हें दोबारा से फायर करने वाले हैं। तो गाइस पिछले कुछ दिनों की सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आगे भी अगर इस टॉपिक से कोई और अपडेट्स आती है तो वो गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए फिर गाइस अब बात करते हैं कल होने वाले स्मैकडाउन के काफी बड़े मैच के बारे में। ये मैच गाइस प्राइस फाइटर केविन ओवन वर्सेस हमारे द ऑनरेरी उस सैमी ज़ेन के बीच होने वाला है। लिटरली गाइस मैच काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि गाइस आप लोग देख सकते हो कि इस मैच को खुद हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस प्रमोट कर रहे हैं। कल होने वाला ये मैच सैमी के ब्लड लाइन के करियर को डिसाइड करने वाला है। रोमन किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहेंगे कि सैमी इस मैच में हारे, और गाइस अगर सैमी इस मैच में हारते हैं तो इसका अंजाम उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। रोमन इसके लिए सैमी को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले हैं। WWE से तो वो बाद में फायर होंगे, इससे पहले रोमन उनकी हड्डी पसली तोड़ ब्लड लाइन से धक्के मार के बाहर निकालने वाले हैं। तो चलिए फिर गाइस आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप कि गाइस आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। गाइस अगर वीडियो सच में अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।